एक्शन रिप्ले कर रहा था, आज तक पार्टी है कि पांच सैलेड खावा मैं पांच हां दिया ना भी डायलॉग में बोल रहा हूं। सो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है और आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो तो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो मेरे चैनल पे जाके। हेलो यार तू बना ला या मैनू बना ला, कैमरे अपने ना एक दूजे नाल वजन गे किदा बढ़िया। सो वंस अगेन ऑन पब्लिक डिमांड ओ माय गॉड। सो एक्चुअली ये आया है क्योंकि मैं जा रही हूँ 5 तारीख को यानी कि परसों बॉम्बे, तो ये आया है हमको एक्चुअली ड्रॉप करने आया है चंडीगढ़। सच्ची बोलूँ मैंने तुझे तभी बुलाया, ओके समझ रहा है? समझ रहे हो ना वेरी मच। हाँ और बट इसका शायद ये प्यार के लिए आया होगा है। ओ माय गॉड। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, तो मैं बोलूंगा नहीं माय चैनल के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर से आ गए रे बाबा। यस फिर से क्यों इतनी रिक्वेस्ट करी मेरे को, आ जा भाई प्लीज आ जा आ जा आ जा, मैं कहा चल यार ज्यादा नहीं हो गया कुछ है? ज्यादा हो गया ना? हाँ। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ये आया इसलिए क्योंकि मैं जा रही हूँ बॉम्बे, अभी फिलहाल 5 महीने बाद मैं बॉम्बे वापस जा रही हूँ। सो इसने सोचा कि चलो 1-2 दिन और स्पेंड कर लेते हैं साथ में और फिर हमको ये एयरपोर्ट भी ड्रॉप कर देगा। राइट, लगेज बहुत है हमारा, ठीक है गाड़ी में स्पेस है ना, तो ठीक है। सो बाकी की पूरा दिन दिखाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या मस्ती करते हैं। अभी जस्ट आया है, पानी पिया है और अभी खाना वाना खाएंगे, लंच वंच करके आपसे मिलते हैं। सो यहाँ है बहुत ही देसी सा खाना और भिंडी और आलू मेरे ब्रदर के फेवरेट है। जो आलू हैं वो मेरे स्पेशल आलू हैं जो मेरे सारे भाई जितने मेरे कजन्स हैं सब यू नो ऑर्डर करते हैं जब मैं उनसे मिलती हूँ। राइट, तो मुंह इधर करके आप बताइए, थोड़ी तारीफ कीजिए। आपने कभी सोचा था कि मैं इतने सारी वैरायटीज कभी आपके लिए रखूंगी? तूने ताने मार मार के अपने पिछले ब्लॉग में ना। सो गाइस अगर आपने इसका पिछला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो वो चेक कर लेना। इसने मेरे को इतना ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए उस ब्लॉग में कि मैं इसके लिए खाना नहीं बनाती थी शादी से पहले, और आज देखो मैंने सारी शिकायत इसकी कर दी है। ये ऐसी सारा खाना बनवा दिया है, चुप रह। तूने मुझे विश नहीं किया विक्की, तू याद ही नहीं आज क्या है? 3 जुलाई है आज। हाँ तो सिस्टर डे क्या होता डे है वो मजे तो है नहीं। 3 जुलाई इधर मुमु करके बोल रहा। 3 महीने हो गए। 3 कादे हो गए, मई से जून, जून से जुलाई, 2 महीने हो गए। 3 कहाँ से हो गए? ऐसे भाई बताओ यार जिनको बताना पड़ता है। मेरा बर्थडे नहीं है, अपने को शौक किसी चीज का। अच्छा, याद नहीं रखते या फिर पार्टी तो तू देनी है। उभरते हुए यूट्यूबर बन गए हो तुम है, 2 दिन में इतनी रीच आपकी, ये मत बोले। नहीं, फोन कर। अच्छा मुझे लगा मेरी तारीफ करने वाला है। अरे सुने या नहीं, ये आदमी ने मेरे पे ना इल्जाम लगाया था, कहता तुम ससुराल में आके अपने पति के लिए 10 अंडे का ऑमलेट बनाते हो, मेरे को शादी से पहले कुछ भी नहीं देती। ओह माय गॉड, वेयर जाए बधाइयां। ऐसा होता है? बधाइयां। तुसी दसो बधाइयां अज कादी है बधाइयां। गेस तक करो, देखो सोचो तो सही, थोड़ा जोर तो लाओ। नहीं नहीं हाँ। थोड़ा सोचो, थोड़ा ओ नहीं 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 बस, थोड़े ते मेरे ज्यादा फर्क नहीं है यार, 2 महीने हो गए ब्याह मेरे। बस थोड़े ते मेरे से ज्यादा फर्क नहीं है। 2 महीने 10 दिन फिर 2 महीने 15 दिन। मैनु लगे सिस्टर दे, मैनु पूछी जांदी सी। या अभी हो रही है समोसों की पार्टी, और ये देखिए, और क्या सोच रहे हैं समोसे खाते हुए इंसान क्या सोच रहा है? पहले पूरे बारे सोच रहे हैं जड़ पता, बस समोसे खा लो। अच्छा, सूट के साथ चुका है फाइनली, इसकी भरना अभी शुरू करोगे? ये लेके जा रहे हो साथ में? अच्छा यहाँ पे रखे, यहाँ पे इसमें डाल रहे सामान। गणपति जी
दो बंदे लगते हैं इतना बड़ा बैग उठाने में। ये आपकी साड़ी है? शॉपिंग शो माय कलेक्शन बिकॉज मैं अपने ब्लॉग में सारे कलेक्शंस दिखाऊंगी जब मैं नेक्स्ट टाइम आई। हाँ तो ये तो कौन सा खोल के थोड़ी दिखा रही है। ये नीचे वाली भी आपकी साड़ी है? पहली बार इतने सालों बाद साड़ी पहन के कैसा लग रहा है? I always... नहीं मेरे को तो लगता लास्ट टाइम सिर्फ टीचर्स डे पे पहनी थी स्कूल में। फेयरवेल? अच्छा फेयरवेल ही टीचर्स डे और फेयरवेल पे देखे थे जब 12th क्लास में थे। मैं तो लास्ट टाइम तभी देखा था। तो इतने मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक है। तो कैसा लगता है अभी? फिर टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगता? गर्मी नहीं? छोटी सरदारनी में मैंने क्या सीखा साड़ी बार में। तो इतनी गर्मी गर्मी नहीं लगती? इतने अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। ठीक है मेरा जो शादी के बाद मुझे कौन कौन सा सूट मिलता है। बट आप तो जा रहे हो तो सूट लेके भी नहीं जा रहे, फिर कैसे दिखाओगे? बना हुआ है वीडियो पहले से? नहीं, आके अच्छा। अब ऐसे सूट मैं बॉम्बे में नहीं पहनूंगी। वो बॉम्बे है फिर है। हाँ? वो बॉम्बे है या पंजाब है? सो अभी हो रहा है टाइम 8। भाई आया है पटियाला और पार्टी दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? वो इसके ब्लॉग में शादी के 3 महीने 2 महीने हो गए इसलिए मैं पार्टी दे रहा हूँ। नहीं हमें तो मिल ही नहीं इसलिए हम दे रहे हैं। कुछ और रीजन है। आप इसके ब्लॉग पे देखना क्या रीजन होगा। अब तू बता दी अपने ब्लॉग पे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर बोल दिया है। सो हम आपको मिलेंगे बॉस्टन बाइट्स। चेरी आई थिंक आप मिस करेंगी बॉस्टन बाइट्स। सो हमारे तो बॉस्टन बाइट्स थे कि वहाँ जाके हम पास्ता पिज्जा वगैरह खाएंगे सैलड खाएंगे। बट वी एंड अप हियर वेयर विकी मसाला डोसा स्ट्रीट फूड। भाई स्ट्रीट फूड की ना कोई रीस नहीं है। तो यहाँ पर इतनी सारी रेड़ियाँ लगी हुई हैं ना, तो हमने सोचा क्यों ना मसाला डोसा खाया जाए। सो अभी हमारा जो ऑर्डर है वो प्रिपेयर हो रहा है। ये पता नहीं मैं अपना ब्लॉग बना रही तो बीच में ही गाने लग गया। हाँ डैडी को देख देख के तेरा भी सिंगर जाग गया ना। अच्छा गाइस वी एंड अप हियर। सो वो हमारा डोसा हो रहा है रेडी और देखते हैं कैसा है। तो ये आ गया हमारा डोसा, दिखने में तो बड़ा यम्मी लग रहा है। अभी खा के पता चलेगा कि कैसा है। वैसे स्ट्रीट फूड जो होता है वो वैसे ही बहुत ही टेस्टी होता है। सो लेट्स सी। सो अभी हम आए हैं यहाँ पर कुछ खाने पीने। सो दिस इज लाइक आफ्टर लॉकडाउन लुक। इट्स ऑल फुल, नो प्लेस टू सिट एज यू कैन सी। लेमन सोडा इसको है ना, नमक मत डालना, चीनी मत डालना, सोडे में नींबू निचोड़ देना, दो सॉल्ट नहीं डालना, सिर्फ नींबू निचोड़ के ले दो। माय गॉड यार मोमो है कि आलू है? बड़े तो नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े हैं ना। पंजाबी पटियाले का मोमो, ये पटियाला मोमोज, वर्ल्ड बिगेस्ट मोमोज। ये क्या हो रहा है? मोमो की सब्जी। स्ट्रिक्ट डाइट वाले बंदे, ये पड़े हैं मोमोज और वो पड़ी उसकी सब्जी। अच्छी नहीं है? हाँ यार मेरे को सच्ची में चिकन लग रहा है। मत बोलो यार। सो गाइस अभी हम खा पी के वापस आ चुके हैं। अब हो गया है सोने का टाइम क्योंकि सुबह से बहुत कुछ खा लिया है, पेट हो गया फुल। मोमोज के आपने साइज देखे होंगे, ऐसे चूहे जितने बड़े बड़े साइज, ऐसे ऐसे मोमोज पहली बार देखे मैंने। इधर पेट फुल हो चुका है। पेट भी दिखाओ। नहीं, नो एक्सपोज, नो एडल्ट कंटेंट। सो अगर आपने मेरी वीडियो देखी और आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो तो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो मेरे चैनल पे जाके।
नहीं इसके चैनल पे, फिर इसके चैनल पे, मेरे चैनल पे, वाया वाया हरामी हो बेटा। ये है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और जो चुप चुप के मेरी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते वो तो बहुत ही बिल्कुल अच्छा नहीं करते, बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता यार। आप पूरी वीडियो देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो यार मेरी वीडियो, आप इतनी पसंद कर रहे हो, इतने व्यूज जाते हैं पर लाइक ही नहीं आते हैं, तो लाइक भी करो ना। कितना टाइम लगता है ऐसे करके, इस वाले थंब को दबाना ऐसे करके तो लाइक हो जाता है। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। पसंद नहीं आई तो अगली वीडियो देख लेना, अगर वो भी पसंद है तो उसके बाद वाली देख लेना। कोशिश करते रहना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोई ना कोई वीडियो आई जाएगी पसंद। तूने अपने मेरे वाले भी बोल दी।